उपनिषद कहते हैं, बस जीवन का यही उद्देश्य है, मनुष्य जीवन में दो बातें करनी है केवल, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। पहले अपना मोक्ष प्राप्ति करे, अपनी छुट्टी करे, दुख से छुट्टी, अपने आप को स्वस्थ बनाए, आनंद में स्थित, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जागृत, वो हो गया, फिर दूसरों को जगाए। आत्मनो मोक्ष अर्थम, अर्थ मतलब प्राप्ति, जीवन का लाभ क्या है, जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य क्यों बनाया, मेंढक क्यों नहीं बनाया, इधर से उधर कूदता जाए, कीड़े मकोड़े खाता जाए, वो सांप उसको निगल रहा है, किसी कभी मौका मिले तो देखना, मेंढक को जो वो पायथन निगलता है उस समय उसके सामने कीड़ा आता है तो फिर भी जीव बाहर वो कीड़े को खा रहा है, उसको पता चल रहा है मेरे को खाया जा रहा है और वो खुद भी खा रहा है, इतनी वासना, इतनी लालसा। ऐसे ही मेरे को अभी मृत्यु खा रहा है, धीरे 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 पता नहीं चल रहा, अंदर अंदर जा रहा हूँ मैं, मृत्यु आगे बढ़ रही है ना, मेरी तो हो रही है आपकी पता नहीं, और उसमें भी मैं खाने के लिए तरसूं, खाना पीना वासना में रहूं, तो मेंढक की मेरी बराबरी तो हो गई ना फिर, तो ऐसा गधे नहीं बनना है। मनुष्य है अगर मिला है तो इसकी दो बातों के लिए, इसकी अर्थ मतलब प्राप्ति क्या है, आत्मनो मोक्ष अर्थम, इस जीवन को देखिए छुट्टी करना है परमानेंट, अपने भगवत पद में स्थापित होना है, आत्मनो मोक्ष अर्थम। और मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्महत्या नहीं करनी है कि अब हो गया काम, मर मर डालो अपने आप को, नहीं, अभी बाकी जो है उसमें जगत हिताय च, जो जगत है, जो भी जन्म जाता है उसका हित करे, उन्हें भी इधर के रास्ते लगाए, फिर उस यात्रा में जितना मिले उतना मिले, जितना पेट का खड्डा भरने के लिए आवश्यक उतनी प्राप्ति, वो छप्पड़ पे कुछ दूसरा छपड़ा झोपड़ी जो रखनी पड़े रख ले, इधर से उधर जाने के लिए गाड़ी जैसी खटारा जो भी मिले चलती का नाम गाड़ी रख ले, जरूरतें ठीक है, बाकी कचरा पट्टी नहीं जमा करे, बहुत आसान जीवन है, मस्त बिंदास जिया जा सकता, मैं जी रहा हूं ना बिंदास, निडर निर्भीक भय रहित अवस्था, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सच ही मैं कहता हूँ, आना ना किसी दिन बताएंगे, प्रॉब्लम तो है चिपकते नहीं है, लगता नहीं है कुछ। तो ये मेरी प्रार्थना है कि ऐसे आपका भी जीवन हो सकता है, थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान।